दोस्तों स्वागत है आपका ट्रैक एंड प्ले यूट्यूब चैनल पे। और आज की ये वीडियो जो है ये अनबॉक्सिंग वीडियो होने वाली है दोस्तों, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एक सबसे छोटे 7 इंच के मल्टीमीडिया एलसीडी टीवी की अनबॉक्सिंग करेंगे, जिसका मॉडल है टीवी 701G। तो दोस्तों बेसिकली ये एक आपका टेलीविज़न है जो कि जिसका साइज़ सबसे छोटा है, और साथ में इस टेलीविज़न में या फिर टीवी में आप टीवी देखने के साथ साथ ट्रैकिंग भी कर सकते हैं। जैसे नया सैटेलाइट कोई ट्रैक करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। तो और दोस्तों इस बॉक्स की अगर बात करें कि क्या क्या हमें इस बॉक्स में मिलेगा, तो सबसे पहले तो आपको इस बॉक्स के साथ एक्सेसरी जो मिलेगी वो आपका एसी अडेप्टर होगा सबसे पहले, और उसके बाद आपको एक एक्सटर्नल एंटीना मिलेगा, जिसका मतलब मैं आपको और जिसका काम मैं इस वीडियो में आपको आगे बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। और साथ में आपको एक रिमोट कंट्रोल मिलेगा, और साथ में आपको ऑडियो और वीडियो की वायर मिलेगी। तो दोस्तों ये बेसिकली हमारे पास ये प्रोडक्ट कल आया था, और कल तो हम इसकी अनबॉक्सिंग नहीं कर पाए, तो इसलिए आज ये वीडियो आपको मिल रही है। तो सबसे पहले हम इस बॉक्स को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि क्या क्या कंटेंट इस बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों ये है आपका 7 इंच का एलसीडी टीवी, इसको पहले रखते हैं साइड में और देखते हैं कि बॉक्स में हमें और क्या क्या एक्सेसरी देखने को मिलती है। तो साथ में आपको एक और बॉक्स मिलेगा, और बॉक्स के साथ आपको कुछ यूज़र मैनुअल भी मिलेंगे। तो चलिए पहले हम बॉक्स को रखते हैं साइड में, और सबसे पहले हम जो इसमें एक्सेसरी साथ में मिलती है उसको हम देख लेते हैं कि क्या क्या वो एक्सेसरी है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको ये एक अडेप्टर मिलता है, जिसमें आप अपनी कार में या फिर गाड़ी में, जो भी आपकी अगर गाड़ी होगी तो उसमें अगर आप इसको पावर देना चाहते हैं अपनी गाड़ी में चला के, तो वो भी आप दे सकते हैं। और ये दोस्तों वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आप ये बोलोगे कि भाई अगर आपका ये टीवी है तो इसको गाड़ी में कैसे चलाएंगे, इसको जो अपना एलएनबी वायर है उसकी इनपुट कहाँ से देंगे। तो दोस्तों इसीलिए मैंने आपको बोला कि इस वीडियो को पूरा देखते रहिए शुरू से एंड तक, तभी आपको मैं पूरी जानकारी इसमें दे पाऊँगा। तो चलिए इसको रखते हैं साइड में। ये है आपका एक अडेप्टर, 0.5 एम्पेयर का अडेप्टर है 12 वोल्ट का, तो इसको भी रखते हैं साइड में। और आगे की बात करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको एक ऑडियो वीडियो केबल मिलती है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक ऑडियो वीडियो केबल है, जिसका एक कनेक्टर की साइड अगर बात करें तो ये ऑक्स कनेक्टर है, और दूसरे में ऑडियो वीडियो की जो आपको केबल है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रही हैं। और साथ में अगर हम और एक्सेसरी की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको एक एंटीना साथ में मिलता है, और इस एंटीने का बेसिकली काम जो है वो आपको मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ कि क्या काम है इस एंटीना का। तो पहले इसको भी रखते हैं साइड में। और दोस्तों ये हमें मिलता है साइड में एक स्टैंड मिलता है, जिसमें हम अपना जो 7 इंच का एलसीडी टीवी है उसको माउंट करेंगे अपने टेबल वगैरह पे रखने के लिए, या फिर कहीं भी हम इसको रख सकते हैं एज ए स्टैंड, ये काम करेगा। तो सबसे पहले तो इन एक्सेसरीज को हम रख लेते हैं साइड में। और दोस्तों इस बॉक्स में आपको ये यूज़र मैनुअल भी साथ में मिलेगा, जिसमें आपको सारी जो भी इसकी की फंक्शंस हैं वो आपको बताया दिए जाएंगे, साथ में कैसे ये काम करता है, कैसे इसको आपने असेंबल करना है, कैसे कैसे क्या क्या चीज़ होती है। तो ये सारे जो कि फंक्शंस हैं वो आपको इस मैनुअल में देखने को मिल जाएंगे, तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो भी आप पढ़ सकते हैं। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में, और मेन बात करते हैं अपने जो मेन यूनिट है आपकी 7 इंच का एलसीडी टीवी। तो दोस्तों ये रहा हमारा 7 इंच का एलसीडी टीवी, और इसको अगर हम पन्नी से निकालते हैं तो ये आपके सामने, तो ये आ गया दोस्तों हमारा 7 इंच का एलसीडी टीवी, जिसमें आप अपना टीवी भी देख सकते हैं, साथ में आप कोई ट्रैकिंग करना चाहते हैं किसी सेटेलाइट की वो भी कर सकते हैं। तो अगर मैं की फंक्शन की बात करूं तो फ्रंट साइड में आपको यहां पे पावर मोड मिल जाएगा, पावर मोड का बटन जो ऑन ऑफ का बटन है वो आपको मिल जाएगा, चैनल माइनस का बटन, चैनल प्लस का बटन, साथ में आपको ओके और ऑटो स्कैन का यहां पे सीधा ऑप्शन मिल रहा है, साथ में आपको वॉल्यूम रॉकर मिल रहे हैं वॉल्यूम प्लस और वॉल्यूम माइनस के, और साथ में आपको यहाँ पर मेन्यू बटन भी मिल रहा है। तो अगर बात करें इसके एक साइड की तो यहाँ पे दोस्तों आपको बहुत सारे और भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पहला अगर आप कोई एसडी कार्ड लगाना चाहते हैं, आपका जो माइक्रो एसडी कार्ड होता है, मेमोरी कार्ड होता है, वो उसको अगर आप इसमें इंसर्ट करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। साथ में आपको एक यूएसबी पोर्ट मिल रहा है, यूएसबी 3.0 का पोर्ट मिल रहा है, जिसमें अगर आप आपके पेन ड्राइव में कोई मीडिया फाइल डालते हैं तो इसमें वो भी आप एक्सेस कर पाएंगे। साथ में आपको ऑडियो वीडियो की केबल मिलती है, ऑडियो वीडियो इन और ऑडियो वीडियो आउट की। साथ में ये आपको एक हेडफोन जैक मिलता है, यहाँ पर पावर जो इंडिकेटर है वो आपको मिलता है, यहाँ पर
ऑन ऑफ का ये छोटा सा सिंपल सा बटन आपको ऑन ऑफ का मिलता है, और साथ में आपको डीसी जो 12 वोल्ट का आपका अडेप्टर था उसको प्लग इन करने के लिए एक ऑप्शन मिलता है। तो अगर बात करें इसके बॉटम की तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलता, दूसरी साइड भी आपको कुछ नहीं मिलता। और बात करते हैं इसके बैक की, तो बैक में दोस्तों यहाँ पे एक माउंट है जो आपको मैंने पहले बताया था कि माउंट मिलता है, उसको इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे एक आपको खाली स्पेस मिलेगा। साथ में दोनों साइड में आपको स्पीकर जो हैं, इसमें इनबिल्ट स्पीकर भी है दोस्तों, तो दोनों साइड में आपको छोटे छोटे यहाँ पे देखने को पॉइंट मिल सकते हैं जिसमें स्पीकर की आपकी जो आवाज़ है वो बाहर निकलेगी। साथ में अगर आप इसी LCD जो आपका 7 इंच का LCD TV है इसको अगर आप अपने दीवारों पे मतलब माउंट करना चाहते हैं, दीवारों पे जैसे अपना LCD TV लगाते हैं वैसे लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दो आपको यहाँ पे माउंटिंग पॉइंट दिए गए हैं, इनके थ्रू आप किसी अपने दीवार पे भी इसको माउंट कर सकते हैं। और साथ में दोस्तों यहाँ पे आपको एक मिलता है जो आपका LNB वायर है उसको लगाने के लिए यहाँ पे आपको एक पॉइंट मिल जाता है। तो दोस्तों इसकी आज की वीडियो में मैं आपको इसको ऑन करके तो नहीं बताऊंगा क्योंकि एक अनबॉक्सिंग वीडियो है, जल्दी ही इस प्रोडक्ट की पूरी वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी जिसमें पूरा मैं इसको चला के भी दिखाऊंगा, साथ में इसमें जो भी आपकी ट्रैकिंग है उसको भी करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये था बेसिकली एक हमारा 7 इंच का LCD TV जिसकी अनबॉक्सिंग आज हमने करी। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई है, अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने सारे दोस्तों के साथ। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।